नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। शिखर धवन का बल्ला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खूब चला। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन ने अर्धशतक लगाया। 78 रनों की पारी धवन ने खेली। ये प्लेऑफ में शिखर धवन का पहला पचासा भी है। इससे पहले प्लेऑफ में कभी भी शिखर धवन ने अर्धशतक तक नहीं लगाया था, तो आज उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पर इस पारी के दौरान शिखर धवन ने शहबाज नदीम की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाया। स्लॉग स्वीप और शानदार छक्का। छठे ओवर में शहबाज नदीम गेंदबाजी करने आए थे और ओवर की पहली ही गेंद पर घुटनों के बल झुकते हुए शिखर धवन ने आसमानी छक्का लगा दिया। आपको बता दें, इसके बाद फिर शहबाज नदीम की गेंद पर दूसरी बार भी शिखर धवन ने ठीक इसी तरह घुटनों के बल झुकते हुए छक्का लगाया था। इस पारी के दौरान गब्बर के बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले और दोनों ही छक्के शहबाज नदीम की गेंदों पर आए। 50 गेंदों का सामना करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के इस बल्लेबाज ने 78 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन के साथ इस अहम मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ने पारी की शुरुआत की। पावर प्ले में इस जोड़ी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी विकेट खोए हुए 65 रन ठोक दिए। आपको बता दें, आईपीएल के 13वें सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला अबू धाबी के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 20 ओवरों में शिखर धवन के धमाकेदार 78 रनों की पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवाकर 189 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और फाइनल में जगह बनाने के लिए हैदराबाद को 190 रनों का लक्ष्य मिला। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।